मिल गई अकेली बहू। शैलजा का एक ही बेटा था जिसका नाम था विकी। शैलजा और अजय के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। शैलजा चाहती थी कि वो अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कराए जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, साथ ही उसके माता पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति भी हो, ताकि आने वाले समय में माता पिता की सारी संपत्ति बेटी और दामाद को मिले और उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित हो जाए। चूंकि शैलजा और अजय अपना माइंड सेट कर चुके थे, इसलिए बेटे के लिए आते सारे अच्छे रिश्तों को वो एक के बाद एक रिजेक्ट करते जा रहे थे। अरे बहन जी, आपको आज तक कम से कम 10 लड़कियां दिखा दी मैंने, सब एक से बढ़कर एक थी, लेकिन आप तो लड़की की फोटो देखकर ही शादी के लिए मना कर देती हो। अरे कौन सा रंगीना ढूंढ रही हैं आप अपने विकी के लिए? अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपको कैसी लड़की चाहिए तो बताइए भाई, ऐसे तो मुझे आपकी पसंद की लड़की ढूंढ कर लाने में सालों लग जाएंगे। अरे चलो जी, इनके पास की नहीं है हमारे बेटे के लिए लड़की बता पाना, मैं पम्मी बहन जी से बात करके देखती हूँ। कुछ दिन बाद, बहन जी जैसी आपने बताई थी बिल्कुल वैसी लड़की मिली है, माँ बाप की इकलौती संतान है और सबसे बड़ी बात, ग्रेटर कैलाश में करोड़ों की कोठी है उनकी। अगर आपके बेटे का रिश्ता उनके यहाँ हो जाए ना, तो समझ लो लाइफ सेट है आपके बेटे की। अरे पम्मी जी, रिश्ता पक्का करना ना करना वो तो हमारे हाथ में है, बस आप देखते जाओ, रिश्ता तो हमारा वहीं पक्का होगा। लड़की वालों के यहाँ, भाई साहब कीर्ति इकलौती बेटी है हमारी, बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल फूलों की तरह रखा है हमने उसे, जरा सी भी धूप नहीं लगने दी है। अरे भाई साहब, हम बहुत अच्छे से समझते हैं भाई, हमारा बेटा भी तो इकलौता है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। भाई साहब फिर भी शादी से पहले सारी बातें क्लियर हो जाए ये बहुत जरूरी है। ये जो बंगला आप देख रहे हैं ना, इसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन अरे छोड़िए भाई साहब, हम तो बस आपका दिल देखकर यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं, इन बातों से फर्क ही क्या पड़ता है। आप तो ये समझ लो कि आज से आपकी बेटी हमारी और हमारा बेटा आपका। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, बेटी नहीं आपके सुख दुख हमारे और हमारे सुख दुख आपके। अरे भाई साहब, ऐसा समझिए कि आपने अपनी बेटी ही नहीं अपना सब कुछ हमें दे दिया। जी वो तो ठीक है बहन जी, लेकिन मेरी बेटी कीर्ति जो है ना, वो बहुत काम। अरे बहन जी, काम की कोई दिक्कत ही नहीं है, हम समझ रहे हैं, आपने अपनी तरफ से सब काम सिखाए होंगे। आप तो बस ऐसा समझिए कि आपकी बेटी ससुराल नहीं अपने एक घर से दूसरे घर जा रही है। बहुत किस्मत वाली है हमारी बेटी जो उसे ऐसा ससुराल और सास ससुर मिले। अरे हम तो बड़े चिंतित थे बहन जी कि हमारी बेटी न जाने कल को कैसे घर में जाएगी, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद हमारी सारी चिंता दूर हो गई। जल्दी ही विकी और कीर्ति की शादी हो जाती है और कीर्ति शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद, सुबह के 8 बज रहे हैं मम्मी जी, अभी तक मुझे मेरी बेटी क्यों नहीं मिली? अरे बेटा, मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ, सुबह के 8 बज गए, अभी तक तू बिस्तर छोड़कर उठी नहीं। उठ जा बेटा, उठकर चाय बना ले, हमें भी तो चाय का ही इंतजार है। क्या मतलब है, चाय मैं बनाऊंगी? अरे मुझे तो पानी भी उबालना नहीं आता, चाय तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा तूने, चाय बनानी नहीं आती? मम्मी जी शादी से पहले मेरी मम्मी आपको वही तो बता रही थी, मैं एक नंबर की कामचोर हूँ, घर की काम का नाम सुनकर ना मुझे चक्कर आने लगते हैं। ये काम वाम करना ना मेरे बस का रोग नहीं है। अरे तो भाई तुम्हारे घर में चाय नाश्ता खाना कौन बनाता था? मम्मी, मेरी मम्मी बनाती थी और कौन बनाएगा। आपको पता है मम्मी जी, जब कोई भी लड़का शादी के लिए आता था तो जैसे ही उसे पता चलता कि मैं घर का कोई काम करना नहीं जानती, और जानना तो दूर, मैं तो कोई काम करना ही नहीं चाहती, तो वो बेचारा भाग खड़ा होता था। लेकिन आप लोगों ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको स्वीकार हूँ, आपको मेरी किसी भी बात से दिक्कत नहीं, तो बस मेरे मम्मी पापा भी बेफिक्र हो गए। अच्छा मम्मी जी, मैं तैयार होकर आती हूँ, तब तक आप चाय के साथ ना कुछ अच्छा सा नाश्ता भी बना देना, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अरे विक्की तू देख रहा है, अब तेरी बीबी के लिए चाय नाश्ता बनाकर मैं दूंगी क्या? क्या इसी दिन के लिए मैं इस महारानी को बहू बनाकर अपने घर लाई थी? अरे मम्मी वैसे भी तो आप ही रोज बनाती थी ना चाय नाश्ता, अगर एक आदमी का और बना दूंगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी?
आप ना इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, बस अपना फोकस बंगले पर रखो। ये सोचो कि वो 3 करोड़ का बंगला आज नहीं तो कल हमारा होने वाला है, और 3 करोड़ के लिए ऐसी छोटी मोटी बातें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बात तो तेरी सही है बेटा, अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मूसल का क्या डर। ठीक है, मैं बना देती हूँ। एक तरफ कीर्ति मजे से अपनी जिंदगी जी रही थी और दूसरी तरफ उसकी सास शैलजा खून के घूंट पीकर घर के सारे काम अकेले ही निपटा रही थी। कीर्ति आराम से बैठी सास शैलजा पर कभी चाय, कभी नाश्ता, तो कभी कपड़े आयरन करने के हुक्म चलाती, और 3 करोड़ के लालच में बेचारी शैलजा हंसते हंसते सब सितम सहती जाती। कुछ दिन बाद, मम्मी जी आपको पता है कल मेरे मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह है, मैं सोच रही हूँ उन दोनों के लिए डायमंड की रिंग खरीद लूँ, बताइए ना कैसा रहेगा ये गिफ्ट। क्या कहा, डायमंड की रिंग? मम्मी जी अब मेरे अलावा उनका है कौन, मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा। हाँ बेटा, बात तो तेरी ठीक है, जा बेटा विकी दिलवा दे से डायमंड रिंग। अरे मम्मी, कोई छोटी मोटी चीज ही दे देते, आपने तो सीधा डायमंड रिंग लाने का फरमान सुना दिया, आप ना मेरा दिवाला निकाल कर ही मानोगी। कीर्ति के यहाँ पहुँच कर, अरे पापा क्या हुआ, डॉक्टर अंकल क्यों आए हुए हैं, अब ठीक तो है ना? अरे बेटा, पापा का बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि माइनर अटैक आया था इन्हें, जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी करानी होगी, लेकिन तेरे पापा नहीं मान रहे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अरे मैं सब समझ रही हूँ पापा, पैसों की चिंता में ऑपरेशन नहीं करा रहे ना आप, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसे आपकी बेटी भरेगी। आप भूल गए शादी के समय विकी ने क्या कहा था, आपकी सुख दुख सब आज से उनकी, क्यों विकी? हाँ ठीक कह रही हो। अच्छा ठीक है, दामाद जी की यही इच्छा है तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ। पापा आज से आप दोनों की सारी जिम्मेदारी मेरी और विकी की है, घर के सामान से लेकर दवाइयाँ तक अब बेझिझक मुझे बताइए, मैं सब ला कर दूंगी, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ठीक है बेटा, आज से तुम दामाद नहीं मेरे बेटे हो, तुमने तो हमारे जीवन में जो बेटे की कमी थी ना उसे पूरा कर दिया। घर आकर, मम्मी ये कीर्ति से शादी मुझे कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ रही है, अरे कब तक और कितने रुपए खर्च करता रहूंगा मैं? बेटा तू ऐसा समझ ले कि जितना खर्च तू कर रहा है उतना ही उस करोड़ों के बंगले के और नजदीक पहुंचता जा रहा है, और बेटा बड़ा फायदा देखने के लिए छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है, तू इन खर्चों को उस बंगले की इंस्टॉलमेंट समझ ले। ठीक कहती हो मम्मी, कीर्ति के घर वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। अपने मम्मी पापा से मिलने के बहाने कीर्ति हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके पहुंच जाती, और जाते समय ढेरों सामान खरीद कर लेकर जाती जिसका बिल भी विकी को ही भरना पड़ता। कुछ दिन बाद, बेटा विकी जल्दी से कीर्ति को लेकर घर आ जाओ, बंगले के बारे में तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। माँ लगता है हमारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है, पापा जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है, कह रहे थे बंगले के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। हाय विकी बेटा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा बंगला इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा। मैं चलता हूँ माँ, बाकी की बातें वहां से आने के बाद करते हैं। विकी मन ही मन खुशी से झूमता अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे आओ आओ बेटा, तुम आ गए तो समझो हमारी हर उलझन सुलझ गई, तुम्हें देखकर हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। क्या बात है पापा जी, खुलकर बताइए ना। बेटा जिस बंगले में हम रह रहे हैं ना, ये बंगला मेरी सबसे बड़ी दीदी का है, वो बरसों पहले कनाडा शिफ्ट हो गई थी, मेरी माँ जी हालत उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जाने से पहले अपना ये बंगला वो रहने के लिए मुझे दे गई थी, मैं भी आराम से पिछले 20 साल से इस बंगले में रह रहा था। अभी पिछले हफ्ते दीदी का देहांत हो गया और उसके बाद उनके बेटों ने इस बंगले को बेचने का निर्णय ले लिया। हम बड़ी दुविधा में बेटा, अचानक इतने सालों बाद अब जाए तो जाए कहाँ, हम तो बेघर ही हो गए। मेरे होते हुए आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा, आप बेघर क्यों होंगे, आप आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है मम्मी जी पापा जी को भी आपके हमारे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वो तो खुशी होंगे कि आप भी हमारे साथ एक ही घर में रहेंगे। आपको याद है ना पापा, शादी के समय पापा जी ने कहा था खुशी और गम सब आधे आधे बांट कर चलेंगे। हाँ हाँ कीर्ति ठीक कह रही है, आप लोग हमारे घर चलिए,
मम्मी पापा को बहुत खुशी होगी। कीर्ति और विकी के कहने पर कीर्ति के मम्मी पापा अपना सामान पैक करके विकी के घर आ जाते हैं। तो क्या समझे, जिस बंगले के लालच में पड़कर वो कीर्ति जैसी सर चढ़ी लड़की को बहू बनाकर लाए, वो बंगला तो विकी को मिला नहीं, उल्टा अपने घर में से आधा हिस्सा जरूर उसे ससुराल के नाम करना पड़ गया। इसलिए तो कहते हैं, लालच बुरी बला है रे भैया, लालच बुरी बला। विकास रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था, कई सालों से वो उसे जानता था। विकास की माँ सारिका जी विकास से कई बार कह चुकी थी कि अब उसे रिद्धिमा से शादी कर लेनी चाहिए। विकास बेटा, अब तो बहुत साल हो गए, तुम तो रिद्धिमा को अच्छी तरह जानते हो, देखो अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। वो क्या है ना माँ, मैंने अपने कई शादीशुदा दोस्तों की जिंदगी देखी है, ठीक से एक दूसरे को जानते नहीं और शादी कर लेते हैं, और उसके बाद मियाँ बीवी के अंदर सारी प्रॉब्लम्स। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। लेकिन बेटा शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, और प्रॉब्लम्स किसकी शादी में नहीं आते, हर मियाँ बीवी के भी छोटे मोटे झगड़े, जिंदगी के उतार चढ़ाव सब कुछ नॉर्मल बातें हैं बेटा। मम्मी लेकिन अगर मुझे पता होगा कि लड़की का नेचर कैसा है, वो अच्छी है बुरी है किस तरह की है, तो कम से कम मैं सोच समझ कर शादी करूँगा ना, और ये जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। देख बेटा, मेरा मानना तो यह है कि शादी में चाहे कितना भी सोच समझ लो, दिमाग लगा लो, लेकिन इसमें हमेशा ही रिस्क रहता है। बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे आकर बता देना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अगले दिन विकास रिद्धिमा से मिलता है। विकास, कितने सालों से हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है रिद्धिमा, मैं भी चाहता था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं, किसी अनजान लड़की के साथ जिंदगी भर के रिश्ते में बनना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। तो अब हमें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए विकास, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ, और तुम भी मेरा नेचर अच्छी तरह जानते हो। सच कहूं रिद्धिमा, मैं हमेशा से यही चाहता था कि जिस भी लड़की से मेरी शादी हो ना, उसे मैं अच्छी तरह सोच समझ कर अच्छी तरह पहचान लूं और बाद में शादी करूं, और मुझे लगता है तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच बन सकती हो। अगले दिन विकास अपने दोस्त अमर के साथ। और भाई विकास, शादी वादी करने का कोई इरादा है या नहीं, तेरी खोज अभी तक पूरी नहीं हुई क्या, परफेक्ट मैच वाली? अरे बस बहुत जल्दी तुम्हें अपनी शादी की खुशखबरी सुनाऊंगा मैं, रिद्धिमा को तो तू जानता है ना, उसी से शादी करूंगा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और आई थिंक बेस्ट लाइफ पार्टनर बनेगी वो। यार अब ये तो किसे पता कि आगे चलकर तुम दोनों का रिश्ता कैसा होगा। क्यों भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरी शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या, और तूने भी तो अपनी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त के साथ शादी की है ना, तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना। वही तो तुझे समझाना चाह रहा हूँ, शादी बहुत बड़ा रिस्क है मेरे दोस्त, तू मेरी वाइफ रुचि को जानता है ना, 4 साल से डेट कर रहा था मैं, लेकिन बीवी बनने के बाद वो ऐसे बदल गई जैसे मैं उसे कभी जानता ही नहीं था। हो सकता है यार, लेकिन रिद्धिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कभी नहीं बदलेगी, बहुत प्यारी है, और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी पूरी फैमिली और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखेगी, मुझे नहीं लगता शादी के बाद कुछ भी बदलने वाला है। तेरे सवाल का जवाब तो वक्त ही दे सकता है दोस्त, शादी के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता, सब भगवान के हाथ में छोड़ दे। कुछ दिनों के बाद विकास और रिद्धिमा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक रहता है, रिद्धिमा विकास और अपनी सास सारिका का खूब ख्याल रखती, लेकिन कुछ महीनों के बाद। विकास, आई थिंक अब हमें एक फ्लैट खरीद लेना चाहिए, मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे लेकिन क्यों रिद्धिमा, मैंने शादी से पहले तुमसे कहा था ना कि हम माँ के साथ इसी घर में रहेंगे, और तुमने भी इस बात के लिए हाँ कर दी थी। अरे ये भी कोई बात हुई, अब शादी से पहले मैंने कुछ चीज़ों के लिए हाँ कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरी जिंदगी तुम उसे पकड़ कर रखोगे,
सिचुएशन के साथ चीजें बदल जाती है विकास, और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें फ्लैट की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती यार, ये मेरी प्राइवेसी का मैटर है, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इस घर को देखो कितना पुराने जमाने का है। अरे लेकिन रिद्धिमा, शादी से पहले भी तो मैंने तुम्हें अपना घर दिखाया था ना, और याद है उस दिन तुमने क्या कहा था, तुम्हें ये घर बहुत पसंद है, अब क्या हो गया? मैंने कहा ना विकास, हमेशा सब चीजें एक जैसी नहीं रहती, और अब मुझे इस घर में नहीं रहना तो नहीं रहना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। कुछ दिनों बाद, रिद्धिमा बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ, अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, इसी बहाने तुम्हें अकेले रहने का मौका भी मिल जाएगा, और मैं भी अपनी बहन से मिलकर आ जाऊंगी। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं ना मुझे रोज ऑफिस जाना होता है, अब अगर ऐसे में आप अपनी बहन के घर चली जाएंगी तो घर के सारे काम कैसे हैंडल होंगे? तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरा अपनी बहन के घर जाना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, आपका जब मन होता है आप घूमने फिरने अपने रिश्तेदारों के घर निकल पड़ती हैं, मेरी जिंदगी तो आपने जेल बनाकर रखी है। रिद्धिमा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें मम्मी ने कहीं जाने से कब मना किया? विकास, तुम इतने भी भोले मत बनो, तुम्हें याद नहीं पिछली बार जब मुझे अपने मायके जाना था और तुम्हारी मम्मी को बुखार आ गया था, तुमने मुझे जाने नहीं दिया था। लेकिन रिद्धिमा, मम्मी की तबीयत खराब थी, और तुम तो हमेशा कहा करती थी ना कि तुम मम्मी का ख्याल एक बेटी की तरह रखोगी, तो क्या ऐसी हालत में तुम मम्मी को अकेला छोड़कर चली जाती? देखो विकास, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मम्मी की नर्स और घर की नौकरानी नहीं जो हर सिचुएशन में एडजस्ट करती रहूं। ये तुम्हें क्या हो गया है रिद्धिमा, तुम कैसी बातें करने लगी हो, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम पर कितना भरोसा करता था और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। कुछ दिनों के बाद, रिद्धिमा बेटा, विकास का बर्थडे आ रहा है, तुम दोनों की शादी के बाद उसका पहला बर्थडे है, देखो अगर तुम पार्टी करना चाहती हो या कुछ भी प्लान करना चाहती हो तो आराम से करना, मैं चाहती हूँ तुम दोनों ये दिन खूब एंजॉय करो। मम्मी जी, विकास का बर्थडे बुधवार को है और उस दिन मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं विकास के लिए पार्टीज प्लान करूँ, आप अगर कुछ करना चाहती हैं तो कर लीजिए, वैसे भी मुझे उस दिन ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। बेटा अगर मुमकिन हो तो उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो ना। मम्मी जी, अब मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए छुट्टी लेती रहूंगी तो काम कैसे चलेगा? बेटा मैं तो तुम दोनों के लिए ही कह रही थी। अच्छा ठीक है, अगर तुम घर में बर्थडे नहीं मनाना चाहती तो तुम और विकास कहीं बाहर डिनर पर चले जाना। वैसे ये आइडिया ठीक रहेगा, मेरा मन भी विकास के साथ अकेले में पार्टी करने का था। हाँ मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बर्थडे वाले दिन सारिका विकास को ऑफिस से जल्दी घर बुला लेती हैं। अच्छा विकास, तुम जल्दी आ गए, देखो रिद्धिमा ने तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया है, वो भी बस आती ही होगी। जानती हो मम्मी, शादी से पहले रिद्धिमा हमेशा मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी, ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरी तैयारियां करने में लग जाती थी। जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती है वो। लेकिन देखो ना मम्मी, शादी के बाद सब कुछ बदल गया है, रात के 8 बजने वाले हैं और रिद्धिमा अभी तक ऑफिस से नहीं आई। अरे बेटा, आज उसकी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, हो सकता है इसी वजह से देर हो गई होगी। लेकिन मम्मी एक दिन तो छुट्टी ले सकती थी ना, शादी के बाद कितनी बदल गई है, उसका नेचर भी पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा लगता ही नहीं कि वो पहले वाली रिद्धिमा है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है बेटा, रिद्धिमा का बिहेवियर मेरे लिए भी बहुत बदल गया है, पहले जब भी घर आती थी बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन बहू बनने के बाद तो लगता है जैसे सब कुछ अलग सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। रात के 10 बज जाते हैं लेकिन रिद्धिमा ऑफिस से घर नहीं आती, और फिर अचानक से डोरबेल बजती है, लगता है बहू आ गई, मैं खोलती हूँ दरवाजा। रिद्धिमा, रात के 10 बज रहे हैं, तुम्हें ऑफिस से आने में इतनी देर हो गई? विकास, मैंने मम्मी को बताया था कि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं जल्दी नहीं आ सकती थी। लेकिन आज मेरा बर्थडे था तो मुझे लगा शायद आज तुम छुट्टी ले लोगी और हम कहीं साथ में घूमने चलेंगे।
विकास, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए मैं छुट्टी लेकर बैठ जाऊं। यार हो गया ना शादी से पहले, कितनी बार तो तुम्हारा बर्थडे मना चुके हैं हम। कितनी बदल गई हो रिद्धिमा, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम वो रिद्धिमा हो जिसे मैं शादी से पहले जानता था। ठीक है विकास, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, और देखो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अंदर जा रही हूँ सोने। उसके जाने के बाद, मम्मी आप और मेरे दोस्त ठीक कहते थे, शादी एक जुआ है, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और बहुत रिस्की भी। अब देखो तुमने कितना सोच समझ कर, कितनी लंबी रिलेशनशिप के बाद रिद्धिमा से शादी की, लेकिन हुआ तो वही ना जो होना था। इसीलिए तो कहते हैं शादी जुआ है।